रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में रायपुर पुलिस ने निजात अभियान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें रायपुर के विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में नशे के विरुद्ध निजात अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। वहीं राजधानी रायपुर SP संतोष सिंह ने बच्चों को संबोधित किया और पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। रायपुर की जनता को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। काफी लंबे समय से निजात के नाम से यह अभियान छेड़ रखा है और वो चूंकि अब रायपुर के SP हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ वो इस अभियान को काफी जोर दे रहे हैं। और इसी सिलसिले में आज एक कार्यक्रम था, माननीय पुरंदर मिश्रा जी और बहुत सारी संस्थाएं इसको समर्थन कर रही हैं और बड़ी संख्या में आज यहाँ बच्चे आए थे। और कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक करने की बात थी कि नशे के खिलाफ ये उम्र होती है जब बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आकर्षित करती, तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि इस उम्र में नशे से बच कर रहें ताकि भविष्य में वो बेहतर भविष्य अपना गढ़ सके। साथ साथ जागरूकता कार्यक्रम भी जगह जगह हम लोग कर रहे हैं। आज उसी सिलसिले में ऑडिटोरियम में एक UNODC के सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें UNODC की एक टीम आई हुई है जो पिछले दो दिनों से हम लोग के साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग इवेंट कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि सभी लोगों के बीच पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि किस तरह से नशा जो है नुकसान पहुंचाता है और पुलिस इसमें कार्रवाई भी करिए, साथ साथ लोगों को जागरूक भी करिए।